हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आपको पता है, सिगरेट कंपनी सिगरेट की मार्केटिंग डॉक्टर और फिजिशियन से ये झूठ बुलवाकर करती थी। क्या बोला तूने? और सिर्फ सिगरेट की मार्केटिंग के लिए ही नहीं झूठ बोला जाता, बल्कि आए दिन कंपनीज मार्केटिंग के लिए झूठ का सहारा लेती हैं। जैसे क्या आप भरोसा कर पाओगे, एप्पल जैसे ब्रांड ने एक बार एक फोन लॉन्च किया और ये कहा Twice as fast, for half the price. पर फोन ना डबल फास्ट था और ना ही आधी प्राइस में। चूना लगा दिया। जब लोगों को ये पता चला और उन्होंने एप्पल पर सवाल उठाए तो एप्पल ने फौरन पलटी खा ली। पार्टी बदल लिया साला। लेकिन हर बार पलटी खाकर आप बच नहीं सकते। एग्जाम्पल के लिए ऊबर वैक्यूम कंपनी ही ले लो, जिसने मार्केटिंग के लिए बस ये झूठ बोला कि 100 पाउंड के प्रोडक्ट्स खरीदने पर US घूमने की 2 प्लेन राउंड ट्रिप फ्री फ्री फ्री। अब इस झूठ ने उसका दिवालिया कैसे निकाला? वेल, वो स्टोरी काफी मजेदार है। नंबर वन, ऊबर वैक्यूम। 100 पाउंड्स के ऊबर प्रोडक्ट पर कंपनी देगी USA की 2 राउंड ट्रिप फ्री फ्री बिल्कुल फ्री। ये खबर सुनते ही कस्टमर्स ऊबर के प्रोडक्ट पर टूट पड़े। कंपनी का सेल दिन दुगनी और रात चौगनी स्पीड से बढ़ गई। पर फिर ऊबर वैक्यूम, जो कभी इतना फेमस था कि लोग दुकान पर जाकर वैक्यूम नहीं ऊबर मांगते थे, उसका दिवालिया निकलना शुरू हो गया। क्योंकि USA का ट्रिप सुनकर जो कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने के लिए टूट पड़े थे, वो बढ़ते बढ़ते 2 लाख हो गए थे। पर झूठी मार्केटिंग का तिकड़म लगाने से पहले हूवर ने कस्टमर की गिनती इतनी बढ़ जाएगी नहीं सोचा था। यानी उसके पास कस्टमर तो आ गए थे, लेकिन उसके पास उन्हें देने के लिए प्रोडक्ट नहीं थे। प्लस मार्केटिंग झूठी थी, यानी कंपनी के पास उन्हें देने के लिए टिकट्स भी नहीं थे। तो बस लोगों को ये सच पता चला, कंपनी ने 391 करोड़ का कर्जा चुकाया और कर डाला कंपनी का शटर डाउन। कहते हैं ऊबर का नाम US प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर से इंस्पायर होकर रखा गया था। आज ना वो प्रेसिडेंट है ना ऊबर कंपनी। नंबर 2, सिगरेट्स। आज के एड्स आपको बताएंगे कि एक सिगरेट आपकी जिंदगी के 11 मिनट ले जाएगी। पर पुरानी एड्स कहती थी सिगरेट पीना सेहत के लिए अच्छा है। सिगरेट्स ब्रांड्स ने ये क्लेम किया था कि बहुत से डॉक्टर्स एंड फिजिशियंस इसे पीने की सहमति देते हैं। और यही नहीं, वो सिगरेट से आपका अस्थमा, बुखार और गले की बहुत सी बीमारियां भाग जाएंगी। कई लोग ये सुनकर खुश हुए होंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। दुनिया में आज भी सालाना 80 लाख लोग मर रहे हैं, जिसमें से 70 लाख लोग तो सिर्फ सिगरेट के धुएं से मर रहे हैं। इससे बचाने के लिए मार्केट में ई सिगरेट्स को लाना पड़ा, पर वो कामयाब होता उससे भी पहले US ने एक स्टडी कर डाली, जिसके मुताबिक ये ई सिगरेट्स DNA को मॉडिफाई करती हैं और नतीजा लोगों को कैंसर होता है। अब इस स्टडी के पीछे US को लोगों की जान प्यारी थी या अपना प्रॉफिट, ये तो US ही जाने। क्योंकि सिगरेट्स को दुनिया में लाने वाली पहली कंट्री भी US ही है और दुनिया में सिगरेट का सबसे बड़ा मार्केट भी US का ही है। नंबर 3, iPhone 3G। देखिए कैसे आईफोन कंपनी यूजलेस एंड हैवी डिटेल्स देकर आपको मामू बनाती है। क्योंकि जब आप आईफोन खरीदते हैं, तब आपको एक फॉर्म भरना होता है, उसमें लिखा होता है कि आप इस फोन का यूज न्यूक्लियर, मिसाइल, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स के लिए नहीं कर सकते। कोई सेंस है इस बात? पर इन्होंने प्रूव करके दिखाया कि आईफोन कंपनी कुछ भी कह सकती है। आईफोन 3G के वक्त कंपनी ने कहा था कि ये मॉडल उनके पुराने मॉडल से डबल फास्ट है और प्राइस के मामले में भी आधा है, पर जब फोन लॉन्च हुआ तब हुआ ये। आईफोन 3G का प्राइस आईफोन फर्स्ट जनरेशन से ज्यादा था और स्पीड के मामले में वो बहुत ही स्लो भी था। ऐसे में अपनी इज्जत बचाने के लिए कंपनी ने कहा ये फैक्ट नहीं था, उन्होंने तो बस ऐसे ही जनरल स्टेटमेंट दी थी। अब उनकी वो बातें फैक्ट हो ना हो, पर ये बैग जरूर है कि वो अपने एड्स में हर बार सिर्फ एक ही टाइम दिखाते हैं, क्योंकि स्टीव जॉब्स कहते हैं कि फर्स्ट आईफोन 9:41 को लॉन्च हुआ था। एक तरफ ऐसे मिथ फॉलो करके कंपनी अपने आप को साफ सुथरा दिखाती है और दूसरी तरफ अपना नया मॉडल निकालने के बाद पुराने वाले को स्लो करके अपनी सेल्स बढ़ाती है। यस, इट्स अ फैक्ट, जिसे खुद एप्पल ने स्वीकारा है। नंबर 4, केलॉग्स सेरल्स। नाश्ते में केलॉग्स खाना आम बात है, पर चांद पर भी केलॉग्स खाना? जी हाँ, जब नील भाई चांद की सफारी पर निकले थे, तब उनके सफर की पेटी में केलॉग्स भी पाए गए। सुनकर अजीब लगता है, पर ये सुनकर और अजीब लगेगा कि केलॉग्स ने 2-2 बार झूठी मार्केटिंग करके कस्टमर्स को मामू बनाया। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। पहले केलॉग्स ने कहा कि इनके प्रोडक्ट से बच्चों का कंसंट्रेशन 20% बढ़ जाएगा, पर ये खाकर कंसंट्रेशन तो नहीं बढ़ा, लेकिन केलॉग्स का बैंक बैलेंस जरूर कम हुआ, क्योंकि इस झूठ से उन्हें $4 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। पर बात यही नहीं रुकी, उन्होंने फिर से छाती ठोकते हुए कहा कि ये खाने से बच्चों की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, पर दूसरी बार खुद की झूठी तारीफ करने से फेडरल ट्रेड कमीशन FTC ने उनके एडवर्टाइजमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया।
झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अगर किसी के बनाने की वजह ही झूठ से हो तो वो ऐसे झूठ कहेगा ही ना, नहीं समझे? ये देखकर समझ जाओगे, क्योंकि बिस्किट बनाने के चक्कर में केलॉग्स का जन्म हुआ था। विल केलॉग्स ने बिस्किट बनाने के लिए रात में आटा बनाया, पर उसे फ्रिज में रखना भूल गए। सुबह जब वो बिस्किट बनाने के लिए गए तो आटे से छोटे छोटे फ्लेक्स निकलने लगे। बस विल भाई ने आटे को रिप्लेस किया मकई से और स्वादानुसार शक्कर डालकर केलॉग्स की खोज कर दी। जर्ट से बनने वाला केलॉग्स इतना पॉपुलर हुआ कि नाश्ते में नॉन वेज खाने वाले लोग भी खाने लगे। आगे जाके ये इतना पॉपुलर हुआ कि वर्जीनिया के दो बहनों ने एक स्टेट के शेप का फ्लेक्स खोज लिया, जिसे $2,00,000 में खरीदा गया। नंबर 5, नोकिया ल्यूमिया 920। इसे देखकर बहुत सी यादें याद आ रही होंगी, पर फैक्ट भाई को याद आ रहा है नोकिया ल्यूमिया 920 ऐसा व्हाइट जूट जिसकी पोल कस्टमर से खोल दी थी। नोकिया ने कहा कि ये वीडियो ल्यूमिया 920 से शूट हुआ है, पर कुछ दिनों बाद ये रियलिटी सामने आई, जिससे इतना बवाल बढ़ा कि नोकिया ने इस बात की तुरंत माफी मांग कर बताया सॉरी कि वो बस एक आइडिया देना चाहते थे कि ये फोन एक्चुअल कैमरा जैसा शूट कर सकता है। अब कुछ ना कुछ तो कहना जरूरी था, क्योंकि नोकिया एक वक्त पर अपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए ही जाना जाता था। इसमें टॉर्च क्यों है? रात को भी चलता है। उस जमाने में नोकिया ट्यून इतनी फेमस थी कि इस ट्यून को पर सेकेंड 20,000 बार सुना जाता था। नोकिया ने ल्यूमिया से पहले E5 फोन लॉन्च करके ये दावा किया था कि आप इस फोन में एक साथ 74 एप्स चला सकते हो। कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। जो स्ट्रेटजी उनकी सक्सेसफुल हो गई, पर ल्यूमिया 920 के वक्त वो लटक गए। नंबर 6, लिस्ट्रिन। आखिर ऐसा कौन सा झूठ था कि जॉनसन एंड जॉनसन की एक स्टेटमेंट से लिस्ट्रिन ने अपनी सारी एड्स बंद कर दी। ये जानने के लिए आपको लिस्ट्रिन की हिस्ट्री जाननी होगी। लिस्ट्रिन एक जमाने में डैंड्रफ भगाने का लिक्विड, हेयर टॉनिक, डिओडोरेंट और फ्लोर क्लीनर बनाता था। फिर कंपनी ने बनाया मास्टर प्लान। एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन के दौरान उन्होंने हेलिटोसिस नाम का एक मेडिकल टर्म यूज करते हुए कहा, ये बीमारी की वजह से आपके मुंह से बदबू आती है और अगर इसे दूर करना है तो खरीदिए हमारा प्रोडक्ट। और बस अगले 5 साल में इनका प्रोडक्शन हुआ 60 गुना। लेकिन इसके बाद हर तब हो गई जब उन्होंने क्लेम किया कि अगर आप माउथ वॉश कंटिन्यूस यूज करते हो तो आपको फ्लॉसिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्लान अच्छा जा रहा था, पर बीच में आए ये जनाब। लिस्ट्रिन की फ्लॉसिंग स्टेटमेंट से जॉनसन एंड जॉनसन की फ्लॉस बचने पर मंदी आई, इसीलिए उन्होंने लिस्ट्रिन के खिलाफ मिसलीडिंग का केस कर दिया और नतीजा लिस्ट्रिन ने अपनी सारी एड्स बंद कर दी। इसका इंडिया में इतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इंडिया में अलग लिक्विड से माउथ वॉश करना इतना कोई सीरियसली नहीं लेता। पर क्या आपको पता है कि रोम में इसकी शुरुआत AD 1 से शुरू हुई थी? पर ये जानकर हैरानी होगी कि तब रोम के लोग पुर्तगीज के यूरिन से माउथ वॉश किया करते थे। ये प्रथा इतनी बड़ी कि बाद में वहाँ के राजा ने यूरिन बॉटल्स पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। नंबर 7, स्केचर्स। स्केचर्स ने ये क्लेम किया कि ये शू पहनने से आप अपना वेट घटा सकते हो। अरे भाई, झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है। लोग तब से शूज पहन रहे हैं जब लेफ्ट और राइट साइड के लिए सेम शूज थे। अगर उन लोगों को आप बेवकूफ बनाएंगे तो नुकसान भरपाई करना ही पड़ेगा ना। इससे पहले भी स्केचर्स कंपनी ने कुछ ऐसा ही किया। बच्चों को शूज की लत लगे, इसलिए स्केचर्स ने निकलोडियन से कोलैब करके एक शो ही लॉन्च कर दिया था, जिसमें वो कैरेक्टर्स स्केचर्स के शू पहनते हुए दिखाई देते थे। पर ये सब करके जब कुछ फायदा नहीं हुआ तो उन्होंने ये वेट लॉस वाला लगाया। ठीक है समरिया। इस मुद्दे को सेटल करने के लिए FTC ने 40 मिलियन मांगे, ताकि जिन्होंने वो शूज खरीदे थे उन्हें पैसे रिटर्न कर सकें। पर पैसे देने के बावजूद कंपनी की इज्जत दांव पर लग गई थी। शायद इसीलिए कंपनी ने मार्वल का सहारा लेकर एवेंजर्स इंस्पायर्ड कलेक्शन रिलीज किया और फिर से मार्केट में जोर पकड़ लिया। नंबर 8, ओले। अगर आपको ऐसे से ऐसा दिखना है तो आपको भरने पड़ेंगे 5,000 से 5,00,000 रुपए। What? क्योंकि फोटोशॉप कोर्स के इतने ही तो होते हैं। पर ओले ने लोगों को ये सच बताने के बजाय इसे अपनी डेफिनेट आई क्रीम का चमत्कार बता दिया। उन्हें लगा लोग खुश होंगे, शाबाशी देंगे, पर ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तो बस पब्लिक ने ओले की फोटोशॉपी देखी और कंपनी के खिलाफ 700 से ज्यादा मिसलीडिंग चार्जेस डाल दिए। अब कंपनी को भी अपने बचाव में कुछ ना कुछ तो कहना ही था, तो उन्होंने कहा कि हमने मॉडल को बस थोड़ा सा एयरब्रश्ड किया था। कंपनी के झूठे स्टेटमेंट से UK's एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने आई क्रीम ही बैन कर डाली। आखिरकार ओले ने इस बात की माफी मांगी और मैटर बंद कर दिया।
दिया गया। पर आई क्रीम के साथ हमारी थोड़ी सेंसिटिव बातें सदियों से जुड़ी हैं। इंडिया में आज भी कई जगहों पर जब किसी को दफनाया जाता है तो हम उसके साथ आई क्रीम रखते हैं ताकि उसका उपयोग वो आने वाले जीवन में कर सके। ये प्रथा 2200 साल से चलती आ रही है, इसीलिए तो वेस्ट टर्की में भी बहुत सी कब्रों के साथ ये आई क्रीम पाई गई है। तो ये थी वो कंपनी जो काला झूठ बोलकर पैसे छाप रही थी, और ऐसी कुछ लेस कंपनी भी करती है। 80 रुपए के फैमिली पैक के नाम पर ये कंपनी सिर्फ आधा आलू दे रही है। यकीन नहीं होता तो ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि फैक्ट भाई है जहाँ इन्फॉर्मेशन है वहाँ। और आज की वीडियो में कौन सी कंपनी आपको ज्यादा फ्रॉड लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। चलो भाई लोग, दुआ में याद रखना। जय हिंद।